हेलो दोस्तों, मैं आपसे स्वागत करता हूं आपका टीएसएफ क्लास के छोटे से परिवार में। अभी तक हमने जो पिछला क्लास अपना पढ़ा था उसमें हमने दो चीज़ें देख ली, क्लास 10th का चैप्टर 1 और क्लास 9th का चैप्टर 1। आज जो चैप्टर होगा वो होगा क्लास 9th और क्लास 10th दोनों का सेम चैप्टर है, जिसका नाम है आपका पॉलीनोमियल, यानी पॉलीनोमियल जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बहुपद। यानी हमारा ये लेसन होगा वो होगा बहुपद के बारे में। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्लास 9th और क्लास 10th दोनों बच्चे, क्लास 9th वाले अगर अभी तक आपने पहला लेसन नहीं देखा है ना तो प्लीज़ वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, सबसे पहले जाइए। पहले लेसन में 9 आपका लेक्चर होगा, 9 क्लास होगा, 10th वाले में भी लगभग 14 या 15 क्लास है। आप लोग पहले जाइए और पहले पार्ट यानी पहले लेसन को देखिए, पहले चैप्टर को देखिए। 10th के लिए अलग प्लेलिस्ट है, 9th के लिए अलग प्लेलिस्ट है, आप अपना अपना प्लेलिस्ट खोलिए। मैथ्स का लेसन फर्स्ट यानी चैप्टर फर्स्ट और क्लास 9th का अलग होगा, क्लास 10th का होगा, पहले उसको देखिए फिर इसको देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन पॉलीनोमियल। तो ये जो हमारा वीडियो होगा यानी हम कह सकते हैं एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन क्लास होगा, वो दोनों क्लास के लिए सेम होगा, जिसमें चाहे वो 9th के बच्चे हों चाहे 10th के बच्चे हों। तो इस क्लास को चलिए स्टार्ट करेंगे और इस क्लास के वीडियो को हम देखेंगे कि कैसे हम बहुपद को सॉल्व करते हैं। बहुपद अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक तरह से मान लीजिए पिछले क्लास में कह सकते हैं हम बीजीय व्यंजक का, या हम कह सकते हैं अपने आप प्लस करना सीखें बीजीय व्यंजक में, माइनस करना सीखें, गुणा करना सीखें। कुछ फार्मूला हमने देखा था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, सॉरी प्लस होता है इसमें, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देन होता था हम एक और फार्मूला जानते थे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसका फार्मूला होता था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन सब चीज़ों को हम पिछले क्लास में पढ़ते हुए या देखते हुए आ रहे हैं। अब इसके आगे जो हम देखेंगे वो हमारा नया टॉपिक होगा पॉलीनोमियल यानी कि बहुपद। क्या होता है पॉलीनोमियल, क्या होता है बहुपद, उसको चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक ही होगा, हमारा हेडिंग होगा पॉलीनोमियल यानी कि बहुपद। बहुपद होते क्या हैं? अगर मैं बहुपद को लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ अपने आप में, ये एक आपका कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट यानी कि अचर पद, इनटू वेरिएबल यानी कि चर पद। इस वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है यानी हम कह सकते हैं वो होता है कोई होल नंबर, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। समझिएगा क्या होता है, हम अपने बारे में बात कर रहे थे कि इस पॉलीनोमियल यानी इस बहुपद के बारे में कि ये बहुपद होता क्या है, एक्चुअली से हम बहुपद कहते किसे हैं। तो सबसे पहले बहुपद के बारे में बात करते हैं, तो बहुपद में हमारे पास जो आता है वो होता है सबसे पहला अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म, उसमें एक आपका कोई वेरिएबल होगा, उसके बाद से इस वेरिएबल के ऊपर कोई पावर होगा जिसको होल नंबर कहेंगे। तो इस पे थोड़ा जाने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और पिछले लेसन में आपने होल नंबर से अच्छे तरीके से मुलाकात की थी कि होल नंबर क्या होता था, अच्छी खासी उससे दोस्ती हो गई थी आपकी कि होल नंबर कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कांस्टेंट टर्म करते क्या है, अचर पद, कांस्टेंट फिक्स वैल्यू जिसको कह सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं अपने नंबर्स को, जितने भी हम अपने नंबर्स को देखते हैं, जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 डैश 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 सो ऑन, जो भी नंबर होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। बाबू वैल्यू फिक्स होने का मतलब समझ रहे हो ना, कि वैल्यू फिक्स होने का मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 2 में अगर 4 को ऐड करना है तो कितना आएगा, तो अगर 2 में 4 को ऐड कर रहे हो तो आप जानते हो 2 के बाद अगर 4 ऐड हो रहा है तो वो 4 ही आगे जाएगा, 4 ही आगे बढ़ेगा, यानी 2 के बाद अगर 4 आगे बढ़ोगे तो 6 आएगा। ये नहीं है कि एक बार 2 में 4 ऐड किए तो 6 हो गया, अगले 6 में 4 ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा, जी नहीं, 4 ऐड हो रहा है तो फिक्स है कि 4 ही आगे जाएगा, वो 4 ही आगे जाएगा, क्योंकि जो नंबर होते हैं ना उनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो नंबर जितने होते हैं उनको हम कहते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, अचर पद, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 जितने भी नंबर होते हैं अचर पद होते हैं। अब जब हम बात करते हैं अपने मैथ में,
तो इस मैथ्स में क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त एक बात हमको ध्यान रखना होता है, जब हम मानक रूप लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स को बनाते वक्त हम इन चीज़ों का खासकर ध्यान देते हैं कि जब एक हम मानक रूप लिखते हैं तो उसका एक रूप लिखते हैं, उसमें उस मानक रूप में इस अचर पद को डिनोट करने के लिए हम ए बी सी डी वगैरह ये शुरू के लेटर्स को लेते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो ए बी सी डी आप लोगे आगे चल के, तो ये आपको जो रिप्रेजेंट करेंगे वो अचर पद को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें तो क्लियर होगा ना बाबू, कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। दूसरा है आपका वेरिएबल। नाम देखो, वेरिएबल वेरी करता हो, जो वेरी करने में एबल हो, जो वेरी करने में समर्थ हो, यानी जो वेरी कर सकता हो। वेरी मतलब चल सकता हो, चर राशि, चलने वाली राशि, ठीक है ना, नाम से बात आ रही है, चर राशि, चलने वाली राशि, जिस राशि को, यानी हम कह सकते हैं जो वैल्यू को, जो टर्म चलती रहती है, बार बार बदलती रहती है, क्रिकेट के जैसे रंग बदलती रहती है, हर बार रंग बदलती है, क्रिकेट देखे हो ना कैसे रंग बदलती है, अभी ऐसी रहेगी, अगले टर्म में अगला तुरंत अपना रंग बदल लेगी, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि उसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो उसी तरह ये वेरिएबल होते हैं, बार बार अपने रंग को क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो इसमें हमारे लेटर आ जाते हैं, जैसे एक्स लेते हैं, वाई लेते हैं, जेड लेते हैं, ये सब लेटर है। फॉर एग्जाम्पल कैसे समझते हो, देखते हो बाबू, आप पीछे सवाल क्वेश्चन करते हुए आ रहे हो, कैसे करते हो, क्लास एट्थ में, क्लास नाइन्थ में, क्लास टेंथ में आप करोगे, सर कहेंगे बाबू ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तो उसमें पूछोगे सर, तो आप कहोगे सर एक्स की वैल्यू कितनी आई, कहोगे सर वन आई है, आपने कह दिया सर वन आई है, सर कहेंगे वेरी गुड, अगले सवाल में फिर पूछेंगे बाबू दूसरा सवाल इसमें एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे अरे एक्स की वैल्यू तो वन होती, फिर हम वन बोल दें, हम बोल देंगे सर वन आई, सर कहें गधा कहीं का पिटाएगा, ठीक है ना, अब आपको वो डांटने लेंगे, ना बाबू ना ना मुन्ना ना, ऐसी गलती ना करना, हो सकता है अगले सवाल में एक्स की वैल्यू टू आ जाए, क्यों, क्योंकि यक्स जो हमारी है वो वेरिएबल वैल्यू है, वेरिएबल राशि, यानी वो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है, बदलती, वन है तो हमेशा वन नहीं रहेगी, टू हो सकती है, टेन हो सकती है, हंड्रेड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो आप इस तरह से कह सकते हो, जो यक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इन सबको हम एज अ किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल राशि की तरह, चर राशि की तरह। यहाँ तक क्लियर होगा ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। होल नंबर आप जानते ही हो, जैसे 0, 1, 2, ये सारे हमारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं हमारे बहुपद में, तो बहुपद में कौन कौन हो गए, तो एक हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है, दूसरा हमारे पास कोई वेरिएबल होता है, और वेरिएबल के ऊपर कोई पावर होता है, जो कौन सा पावर होता है, होल नंबर हो सकता है। अब कैसे करोगे बाबू, ये देखो, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं एक कांस्टेंट टर्म, मान लेते हैं हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया, तो कांस्टेंट टर्म हमने ले लिया। दूसरा हम ले लेते हैं कोई वेरिएबल, हम ले लेते हैं यक्स, उसके ऊपर कोई होल नंबर लेना है, हमने ले लिया 2, तो 4x पे 2, ये हमारा एक बहुपद हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। मान लीजिए दूसरा बहुपद लेना हो, हम 4 के जगह पे 3 ले सकते हैं, एक्स जगह पे वाई ले सकते हैं, और इसके ऊपर पावर 2 ना लिख के हम 1 लिख सकते हैं, 1 ना लिखें तब भी चलेगा, ये भी हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। आ रही बात समझ में ना, कि बहुपद होता क्या है, तो बहुपद में एक अचर राशि यानी एक कांस्टेंट टर्म, दूसरा चर राशि यानी कि वेरिएबल, और तीसरा जो होता है उसके ऊपर पावर, कुछ भी लिख सकते हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेरे पास वेरिएबल होने के साथ, सॉरी ये मेरे पास क्या हो गए, पॉलिनोमियल हो गए। पूछे मैं आप, हम आपसे पूछें, ये क्या, ये आपका बहुपद है, आप कहोगे सर बहुपद के लिए आपने बताया कि एक कांस्टेंट टर्म होता है, दूसरा वेरिएबल होता है, उसके ऊपर कोई पावर होता है, नहीं सर ये नहीं है, ना ना ये हो ही नहीं सकता है, ये तो कभी कर ही नहीं सकते हम पॉलिनोमियल। आप बोलोगे, मैं नहीं बोला, आप बोल रहे हो, मैं बोलूँगा बच्चा थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर किसी के आगे कोई नंबर नहीं होता तो वहाँ पे हम वन मानते हैं, वन होता ही होता है। अब हम लिखें आपसे, देखना वैसे ड्राइंग तो ख़राब है, बनाना भी भूल गया होगा, ऐसे ही बनता है ये तो, ठीक है तो बड़ी, चलो जाने दो, कुछ भी समझ लो, ये क्या लग रहा है, कुछ भी लग रहा हो, हमने बनाया आम ही है, भावनाओं को समझना, फिगर में ना जाना, ड्राइंग नहीं आता है, ठीक है। अगर हम पूछें आपको दिखाकर ये कितने आम हैं, ये कितना है, तो आप कहोगे सर एक आम है, क्या इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक लिखना पड़ेगा, नहीं, ये एक आम है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तब आप क्या बोलोगे, सर ये 2 आम अब हो गया, हम यहाँ पे एक और लगा दे, सर कहोगे 12 आम लिखा हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से जब आप बात करते हो तो एक होना ही होना है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, नहीं तो ज़्यादा देर रहेगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, तो एक आ गया ना आपका कॉन्स्टेंट टर्म, और ये आ गया आपका
वेरिएबल। और जैसे ही कांस्टेंट टर्म आया, वेरिएबल आ गया, तो आप कहोगे हाँ ये पॉलिनोमियल है। थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, और थोड़ा हम पूछेंगे आपसे, अच्छा मुन्ना ये बता, ये आपका वेरिएबल सॉरी ये आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं? नहीं है सर, है ही नहीं, पक्का नहीं है। अब तो आप कुछ भी कर लीजिए, लगा लीजिए सर, नहीं है ना, हो ना सकता। हो सकता है जी हाँ, ये भी आपका पॉलिनोमियल है। कैसे है सर? अब गलती आप कर रहे हैं सर, आप मजाक कर रहे हैं, ये सब नहीं कर सकते हो आप, ये आप हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हो क्या? आपने कहा कि कॉन्स्टेबल कॉन्स्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पे तक आपने कॉन्स्टेंट लिखा नहीं, अब बाद में बता दिए कॉन्स्टेंट होता है। चलिए हम मान लिया आपकी बात, यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है, अब आप क्या कहेंगे, यहाँ पे वेरिएबल होता है? ना बाबू ना, यहाँ पे वेरिएबल हम नहीं कहेंगे होता है, बट आप इसको समझोगे कैसे, इसको पॉलिनोमियल बोलो कैसे, बहुपद बोलो कैसे, उस चीज़ को समझो कैसे ये बहुपद होगा। आप एक चीज़ जानते होगे ना, चलिए थोड़ा सा इसको साइड में करते हुए आपको इसको समझाने से पहले आते हैं यहाँ पे कैसे पता करते। मान लीजिए हम लिखें यहाँ पे एक्स पावर वन, तो आप कहोगे एक्स है, एक्स पे पावर टू, तो यहाँ पे कितना है, एक्स पावर टू कहोगे, एक्स पावर थ्री, तो आप कहोगे एक्स पावर थ्री। बट आपने पिछले क्लास में पढ़ा है किसी भी अंक या किसी कहीं भी पावर अगर जीरो आ जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? सब गधे के जैसे भूल जाते हैं, सब गधे हैं, सब भूल गए हैं सब। एक्स पे जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी मालूम है तो कमेंट करो, कितनी होती है? वन होती है। देखो गधाई बोली, कितनी होती है? वन होती है। यानी एक्स पे जो जीरो की वैल्यू निकल के आती है हमारी, वो कितनी होती है? वन होती है। है ना बाबू आलोक, आप वीडियो में नाम लेने के लिए बोल रहे हो, नाम पे क्या रखा है, अपने टॉपिक पे ध्यान दो, ठीक है ना? आ जाओ आलोक, देखो ध्यान, आपके टर्म आपको भी काम आ जाएगा। एक्स पे जीरो की वैल्यू कितनी होगी? वन होगी। तो बाबू यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम एक वेरिएबल मानते हैं, मेरे पास क्या था, एक्स पे जीरो। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो फाइव इंटू एक्स पे जीरो की वैल्यू कितनी आई? वन, यानी फाइव आ गया ना, कर दिया ना, तो ये भी मेरे पास एक पॉलीनोमियल। अभी आगे पढ़ेंगे कैसे कौन सा पॉलीनोमियल होता है, बट याद रखना कोई भी अगर अंक हो वो सारा आपके पास एक पॉलीनोमियल होता है। बस होना क्या चाहिए, कोई कांस्टेंट, वेरिएबल, वेरिएबल के पावर होल नंबर, याद रखना बार बार इस बात को बोल रहे हैं, पावर होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे 3x पे पावर 1 बाई टू। अब मैं आपसे पूछूँ, बताओ बाबू ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? सर कुछ भी कर लिए, ये तो है, तब से नाना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि है और नहीं है, है और नहीं है। हम अब कहेंगे ये पॉलिनोमियल है, हम कहेंगे मुन्ना फिर से गलती किए। क्यों गलती किए? तो बाबू यहाँ पे आप ध्यान दोगे बातों को, अभी मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म, चलो भाई कॉन्स्टेंट टर्म है, वेरिएबल, वेरिएबल है, बहुत अच्छा, होल नंबर। बाबू ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर सीधे सीधे नंबर होते हैं, होल नंबर कैसे पहचान में आएगा? फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ एक बड़े से मॉल में, ठीक है, मेरे शहर में एक बहुत बड़ा सा मॉल है, अब होल नंबर याद करना है, भूल जा रहा है, कैसे होगा? तो अगर मॉल में आप चढ़ रहे हो, मॉल में जा रहे हो, ठीक है ना, किसी मार्ट में जा रहे हो, तो वहाँ पर लिफ्ट लगी होती है ना, लिफ्ट पर आप चढ़ते हो, लिफ्ट पे चढ़ते हो ना, तो जो नंबर प्रेस करोगे ना, सारे होल नंबर के एक तो एग्जांपल हैं। अब आप करना होगा, आपको जाना होगा सेकंड फ्लोर पे, आप सेकंड टिप करोगे, आपको जानना होगा फोर्थ फ्लोर पे, आप फोर्थ प्रेस करोगे, फिफ्थ फ्लोर पे फिफ्थ, हंड्रेड फ्लोर पर जाओ, हंड्रेड फ्लोर पे जाना होगा तो आप हंड्रेड प्रेस करोगे। अब आप प्रेस करते हो क्या थ्री एंड हाफ, साढ़े तीन फ्लोर पे? ना बाबू ऐसा कभी नहीं करते हो, तो सीधे सीधे नंबर, तो आप कह सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या होते हैं, होल नंबर। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो इतना ध्यान दीजिएगा कि कभी भी होल नंबर होने चाहिए, ना तो वो कोई इंटीजर्स, यानी हम कह सकते हैं निगेटिव इंटीजर्स नहीं होने चाहिए, किसी तरह से रूट वाले नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है, किसी तरह से फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं होने चाहिए, ये सब नहीं होने चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि अंडर रूट यक्स, थ्री अंडर रूट एक्स ये आपका है, तो आप कहोगे नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ इसकी संख्या किसमी है, रूट में। मैं कहूँ यहाँ पे थ्री यक्स ये है क्या, ये है क्या पॉलिनोमियल? हाँ बाबू ये आपका एक नंबर हो गया, ये आपका वेरिएबल हो गया, पावर कितना हो गया ऊपर, तो इसको आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो, इसको बहुपद बोल सकते हो। आपसे मैं पूछूँ फोर अंडर रूट वाई पे थ्री, क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं, ये नहीं है, क्योंकि ये किस में है, रूट में है। फाइव अंडर रूट जेड,
प्लस थ्री, फाइव अंडर रूट एक्स प्लस थ्री, ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये किस में है? रूट में है। मैं आपसे कहूँ 5x पे पावर 1/3 माइनस थ्री, ये पॉलिनोमियल है क्या? आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि x पे पावर कितना है? 1/3 है। सीधा सीधा नंबर, सीधा सीधा। मैं आपसे कहूँ 3x पे पावर माइनस थ्री, ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इस पे पावर किस में है? माइनस में। सीधा सीधा होल नंबर। मैं आपसे कहूँ 1/2x प्लस थ्री, ये पॉलिनोमियल है क्या? जी बाबू नहीं, ये भी नहीं है। सीधे सीधे ऊपर होने चाहिए, नीचे नंबर नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल्स के बारे में बात कर सकते हैं कि कौन से पॉलिनोमियल होते हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते। तो सिंपल सा पॉलिनोमियल के लिए आपको एक चीज़ याद रखना है कि उसमें आपका कांस्टेंट यानी अचर पद इनटू वेरिएबल यानी चर पद के ऊपर पावर क्या होगा? होल नंबर होगा। ये चीज़ सिंपल सा आपका डिफिनीशन था, यानी सिंपल सा हम पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। आप इसको, अब आप बोलोगे सर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो आप इसको क्या बोलोगे? हम कहेंगे बाबू ये पॉलिनोमियल, ये तो है था सॉरी, ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये एक अल्जेब्रिक इक्वेशन है, बीजगणितीय समीका है, सर्वसमीका है, ये एक बीजगणितीय सर्वसमीका है या इक्वेशन कह सकते हैं, ये भी एक अल्जेब्रिक इक्वेशन है, ये भी एक अल्जेब्रिक इक्वेशन है, ये भी एक अल्जेब्रिक इक्वेशन है, बट ये सारे आपके पॉलिनोमियल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक अल्जेब्रिक इक्वेशन है, यानी कि बीजगणितीय सर्वसमीका है। इस बात का आप ध्यान रखोगे। देखो बाबू, मेहनत आपको खुद करनी है, ठीक है, मेहनत आपको खुद करनी है, क्योंकि जब तक आपके पास आपका लक्ष्य नहीं होगा, ठीक है ना, आपका लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते बाबू, अपनी किस्मत आपके हाथ में, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा, ठीक है। तो ये सही कहा गया है, आप अपनी किस्मत खुद करोगे, अपनी किस्मत खुद बनाओगे, दूसरे के द्वारा बनने वाली नहीं है। और एक बार आपकी किस्मत बन गई ना, तो फिर आप कह सकते हो, या कह सकते हो आप अपने भविष्य को बनाओगे ना, तो एक बार अपनी किस्मत को लिख दो, फिर आपकी किस्मत कोई नहीं मिटा सकता। आज जितने भी महापुरुष हुए हैं ना, जो करके गए हैं ना, उन चीज़ों को कोई मिटा नहीं सकता, उन चीज़ों को कोई भिला नहीं सकता। कौन किसके में इतना दम है कि आज उनकी कही गई बातों को झूठला सकता है, किसके में इतना दम है कि उनको झूठा साबित कर दे। जैसे आप पढ़ सकते हो स्वामी विवेकानंद, उन्होंने जो काम करके गए हैं, कोई है उसको झूठलाने वाला? उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी है। डॉक्टर ए पी जी अब्दुल कलाम, उन्होंने अपनी किस्मत लिखी है, किसी में है दम उनकी किस्मत को मिटा दे। आज आप उनके बारे में पढ़ते हो, उनके बारे में सुनते हो, तो आपके किस्मत आपके हाथों में है, छोड़ दो क्या लोग कहते हैं, आप अपने किस्मत को बना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हम देखेंगे, अभी तक हमने देखा कि ये क्या थे हमारे पास पॉलिनोमियल, सिंपल अभी तक हमने देखा कि पॉलिनोमियल की डिफिनीशन क्या थी, यानी हम कह सकते हैं कैसे पहचानते हैं हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, यानी क्या बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। अब बात करें अगर सिंपल सा, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है तो एक पद है या एक चर है कह सकते हैं, एक चर है, चार नहीं यार, चर। दूसरा अगर मैं लिख दूं एक्स प्लस वाई, तो इसमें देखो एक चर यहाँ पे, एक चर यहाँ पे, तो दो चर वाले ये हो जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये तीन चर वाले हो जाएंगे। बट आपको जो पढ़ना है ना, आपको एक चर में पढ़ना है, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, ठीक है, जो भी होंगे एक चर में होंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हमको इस चैप्टर में और थोड़ा कुछ जानना पड़ेगा, जो टर्म देखना पड़ेगा उसमें हम देखेंगे, एक होगा घात, यानी कि पावर क्या होता है बहुपद का। दूसरा हम देखेंगे गुणांक, गुणांक मतलब कि कोफिशियंट क्या होता है, FICIENT, ठीक है ना, गुणांक क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे इसके शून्यक क्या होते हैं, यानी कि जीरोज क्या होते हैं। ये दो तीन टर्म हम पहले देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ क्या यूज होता है। सबसे पहले आते हैं घात, दूसरा आते हैं गुणांक, और तीसरा आते हैं इसके शून्यक, क्या क्या होते हैं चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घात की, यानी पावर की। तो पावर क्या होती है, तो आप कह सकते हो किसी भी पॉलिनोमियल का, अभी हम बताएंगे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, पर उससे पहले घात को बस समझ लेते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे अधिक पावर होता है, यानी जो मैक्सिमम पावर होती है,
वही उसका घात कहलाएगा, वही उसकी पावर कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ 3x² + 4x + 3, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, तो आप कहोगे सबसे बड़ा पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की घात कितनी हो जाएगी, 2। मैं लिखूँ 5x + 3, इसकी घात बताइए, तो इस पर आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा घात जो है वो 5 है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 5। तो घात के यानी पावर के बारे में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सारे को देख लो, जो सबसे बड़ा आपसे सबसे मैक्सिमम पावर होगा वही उसका घात कहला जाए। गुणांक कोएफिशिएंट्स, ठीक है, तो जब बात करते हैं कोएफिशिएंट यानी गुणांक की, तो गुणांक अब इसमें बात करना हो तो सिंपल से हम कह सकते हैं किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, किसका गुणा हो रहा है, जिसका गुणा। तो इसी सवाल में देखते हैं, मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप चेक करोगे कि एक्स स्क्वायर मतलब ये आपका एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर को आप देखो, जिसका पूछे उसको छोड़ दो, इस एक्स स्क्वायर को छोड़कर इस वाले पद में किसका गुणा हुआ है, तो आप कहोगे 3 दिखाई दे रहा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे यक्स का गुणांक आपसे पूछे तो एक्स का गुणांक कितना होगा है आपका, तो आप कहोगे 4 है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक्स पे 0 था, तो अगर एक्स पे 0 आपसे पूछ दे कि एक्स पे 0 का गुणांक कितना होगा, तो आप बोलोगे 3, या इस 3 को हम कहते हैं अचर पद, तो आपसे अचर पद भी पूछे तो आप कह दोगे कि अचर पद कितना है, 3 है। इसमें पूछे यक्स पे 5 का गुणांक बताइए, यक्स पे 5 का गुणांक बताइए, तो आप कहोगे एक्स पे 5 का कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 5, तो एक्स पे 5 का गुणांक कितना है, 5 है। मैं अगर एग्जाम्पल लिखूँ, क्या लिखूँ, 2x³ - 3x² - 5 2x + 5 = 0। अब इसमें गुणांक पूछूं, मैं पूछूं x क्यूब का गुणांक बताइए, तो आप कहोगे x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हुआ है 2 का। मैं पूछूं x² का गुणांक बताइए क्या होगा, तो बाबू ध्यान देना है, x स्क्वायर में 3 है ना, उसके साथ सिंबल को लेकर चलते हैं, तो कितना हो जाएगा, -3। मैं पूछूं आपसे x का बताइए, तो x के लिए क्या करोगे, 2 सिंबल के साथ यानी -2, और अचर पद यानी कि मेरे पास x₀ का गुणांक जो होगा वो क्या होगा, 5। तो इस तरह से मैं इसमें आपको कोएफिशिएंट्स यानी गुणांक को बता सकता था कि ये इसके गुणांक हैं, ठीक है ना। आगे शून्य क्या होते हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस पूरे इक्वेशन में ऐसी कौन सी वैल्यू हम x के जगह पर रख दें, उस पूरे इक्वेशन का नाम मान कितना आ जाए, 0 आ जाए, यानी उसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो आपको करना क्या है, शून्य का मतलब यही होता है कि x की वैल्यू x = k, यानी x की वो वैल्यू जो पूरे सवाल को या पूरे इक्वेशन को कितना बना दे, 0 बना दे, वो उसका 0 होता है, यानी उसका शून्य होता है। अब इस x के जगह पे क्या वैल्यू आएगा वो पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं, तो x = k, यानी x की वो वैल्यू, मान लीजिए x पे अगर हम 2 रखते हैं, अगर 1 रखते हैं, 1 रखने पे पूरे सवाल का आंसर हमारा 0 आ जाता है, तो 1 इसका शून्य था। x के जगह पे 2 रखने पे 0 आता है, तो 2 इसका शून्य था। कुछ भी हो सकता है, शून्य प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारे पास थे कुछ जीरोज, कैसे पता करते हैं किसके क्या जीरोज हैं, यानी शून्य कौन है, तो सिंपल सा शून्य यानी उसके यक्स की वैल्यू ही होगी। यक्स एक बात है, यक्स के पद में लिख रहे हैं, वाई के पद में हो सकता था तो यहाँ पे वाई हो सकता था, जेड के पद में होगा तो जेड हो सकता था, यानी जो भी अचर पद है उस पद की जो वैल्यू होती है वही उसका शून्य होता है। के यहाँ पे लिखा हुआ है, तो के कोई ना कोई अचर पद होगा, के मतलब कोई अचर पद हो सकता है, यानी कोई वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी जिससे इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ये हमारे पास था शून्य के बारे में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि पद अब आते हैं, एक होता है टर्म, थोड़ा चीज़ें ये जानना आपके लिए ज़रूरी था इसलिए आपको बताया जा रहा है कि पद क्या होता है, टर्म क्या होता है, टर्म, क्योंकि बार बार ये सुनने को मिलेगा आपको। अब आगे नहीं बताया जाएगा कि बाबू ये होता क्या है, घात क्या होता है, गुणांक क्या होता है, शून्य क्या होता है, या पद क्या होता है, अब डायरेक्ट आपको सुनने को मिलेगा। क्या सुनने को मिलेगा, कहेंगे हम पद है, ये टर्म है, वो टर्म है, ये 0 है, वो 0 है, वो शून्य है। आप कहोगे का बकर बकर बोलत है, का बकर बकर कुछ बकत रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें बक नहीं जा रहा है, यहाँ पे बताया जाएगा आपको, बार बार यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, आप इसको समझो देखो क्या है टर्म, मतलब क्या हो गया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स, ठीक है ना, कितने दिखाई दे रहे हैं, एक, तो इस ये एक पद हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x + 2, इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। मैं लिखूँ 3x² + 3 - 5, इसमें कितने पद हैं, 3, तो ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, और ये तीसरा पद हो गया। इसी तरह मैं लिखूँ 4x + 3 - 5x² + 3x - 5, कितने पद है बाबू, 1, 2, 3 और 4, कितने पद हैं, 4 पद हैं, ठीक है। तो ये इसके पद थे। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ x पे q + 2x² +
थ्री एक्स प्लस थ्री, इसमें कितने पद हैं? तो आप कहोगे वन टू थ्री और पद। मैं आपसे पद पूछूं कौन कौन से पद हैं, तो आप बोलोगे एक एक्स क्यू है, दूसरा बोलोगे टू एक्स स्क्वायर है, तीसरा बोलोगे थ्री एक्स है और चौथा बोलोगे थ्री है। ये इसके पद हैं, ठीक है ना। कौन कौन से पद हो गए? एक्स क्यू, टू एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स और थ्री। मैं आपसे लिख दूँ थ्री एक्स पे क्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फोर, इसमें कितने पद है? तो आप बोलोगे वन टू थ्री एंड फोर। कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे थ्री एक्स पे क्यू। अब इस पद को लिखना है तो बाबू माइनस में है, तो लिखोगे माइनस फाइव एक्स पे टू प्लस सिक्स एक्स और प्लस यानी चार। जो माइनस में होता है उसको माइनस में लिखते हैं, जो प्लस में होता है उसको प्लस में लिखते हैं। और जब पद बताते हैं ना कौन कौन से हैं तो कॉमा लगा देते हैं, यानी ये बताता है कि अलग अलग ये पद हैं। तो ठीक है, तो ये आपका पद था कि कौन कौन से पद होते हैं। इस तरह पद के आधार पर हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल एक पद वाले होते हैं, दो पद वाले होते हैं, तीन पद वाले होते हैं, तीन से अधिक पद वाले होते हैं। जो एक पद वाले होंगे इसको कहेंगे एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद मतलब क्या? जिसमें सिर्फ वन टर्म होंगे। इसमें दो पद होंगे तो द्विपदीय कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, द्विपदीय बहुपद। इसमें तीन होंगे तो त्रिपदीय बहुपद कहेंगे, ठीक है, जिसमें तीन से अधिक होंगे बहुपदीय कहेंगे, ठीक है। ये आपके था पद के आधार पे। अब आते हैं पॉलिनोमियल के टाइप, इरेज करते हैं इसको और अगले देखेंगे अभी कि पॉलिनोमियल के टाइप कितने होते हैं, यानी पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। उसके पहले एक थोड़ा हम देख लेते हैं मानक रूप लिखना, कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं कैसे? तो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप। क्या होते हैं मानक रूप और कैसे लिखते हैं? तो देखिए सिंपल सा, अगर हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था तो उसमें लिखे बहुपद पद में आपके पास एक कांस्टेंट होता है, होता है ना, कांस्टेंट होता है, होता है कि नहीं होता है, ध्यान दीजिए, कांस्टेंट होता है। दूसरा कांस्टेंट मतलब क्या होता है? अचर पद। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं हो। कहते थे दूसरा एक वेरिएबल होता था, यानी कि एक चर राशि होती थी और इस पे ऊपर आपका पावर होता था, क्या होता था, कोई भी होल नंबर। इसको आपने कहा था कि ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हो, ए बी सी से, अभी हमने पढ़ा। इसको हमने कहा कि एक्स वाई जेड से हमने क्या किया, होल नंबर को आप एन एम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने मानक रूप लिखने को कहा तो आप लिख सकते हो आपके पास एक कॉन्स्टेंट होता है तो आप मान लेते हो ए हो गया और वेरिएबल हो गया एक्स हो गया, तो ये आपके एक पद वाले हो गए, ठीक है। अगर वही दो पद लिखना होगा तो आप लिखोगे ए दो पद, यानी उसके सॉरी ये आपका क्या हो गया, एक पद हो गया। दो पद लिखना होगा तो आप लिखोगे ए एक्स प्लस बी, ये दो पद वाले हैं, या कुछ भी लिख सकते हो। तीन पद वाले में लिखना होगा तो आप लिख सकते थे ए एक्स प्लस कुछ भी लिखो, उसे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बस समझाने के लिए करें। इसमें आप कहोगे सर वाई आ गया यहाँ पे, एक्स आ गया, तो आप इसको कर लो, स्क्वायर कर सकते हो, इसमें तीन पद आ गए। तो ये अलग अलग मानक रूप लिखने के लिए यूज होगा। अब कैसे लिखेंगे उसी को देखना है और इसी को समझना है। तो आते हैं पॉलिनोमियल के टाइप पे, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख लिया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? बहुपद। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं था। अब इस पॉलिनोमियल को जब बांटने की बात आती है ना, भागों में, अलग अलग भागों में, तो सबसे पहले जब बांटने की बात आएगी ना तो हम इसको कितने भागों में बांट सकते हैं? नॉर्मली तीन होता है, हम चार लिखते हैं। सबसे पहले होता है घातों के आधार पर, हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, घातों के आधार पर बात हो रहा है। पद के आधार पर, पद के आधार पे क्या था, आपने एक रखा, दो पद लिखा, तीन पद लिखा, चार पद लिखा, यानी इससे देखते हैं घात के आधार पर बात करें तो सबसे पहले जो आपके पास आएगा वो होगा अचर पद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या सॉरी अचर पद को हम जीरो भी कहते हैं, यानी जीरो पॉलिनोमियल, हम कह सकते हैं शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, इसी को हम कहते हैं अचर पद वाले। दूसरा जो आपका आएगा वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या होगा इसका, आप रैखिक इसको बोलते हैं, रैखिक बहुपद। तीसरा जो आपका होता है
वो आपका होता है क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल यानी कि इसको बोलते हैं हम द्विघात बहुपद, और चौथा और लास्ट बोल सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे जो बहुपद हुआ करते थे वो बहुपद में सबसे पहले आ गया जीरो पॉलिनोमियल यानी कि शून्य बहुपद, दूसरा आ गया लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद, तीसरा आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद, और चौथा आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद। अब जब इस बहुपद के बारे में बात कर रहे हैं, अब सबके बारे में देखते हैं होता क्या। जीरो पॉलिनोमियल घात के आधार पर कहते हैं, यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिसका जो घात होता है ना वो जीरो हो। बस घात के बारे में बात कर रहे हैं, जीरो पॉलिनोमियल जिसका पावर कितना हो, जीरो हो। लीनियर पॉलिनोमियल तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसका जो पावर आए वो वन आए, यानी जिस पे मैक्सिमम घात, सब बात कर रहे हैं मैक्सिमम के बारे में बात कर रहे हैं, जो मैक्सिमम पावर हो वो कितनी हो, वन हो। तीसरा जो बात करेंगे द्विघात बहुपद, इसका जो मैक्सिमम पावर होता है ना बाबू वो आपका दो होता है, और त्रिघात बहुपद कह सकते हैं जिसका मैक्सिमम पावर जो होगा वो तीन होगा। मैक्सिमम पावर कितना होगा, तीन होगा। तो ये हमारे बहुपद थे जिसमें हमने घात को जाना कि जीरो बहुपद या अचर पद या शून्य बहुपद उसको कहते हैं जिसपे मैक्सिमम पावर कितना है, जीरो। लीनियर यानी रैखिक बहुपद जिसपे पावर कितना है, वन। इस पे द्विघात यानी क्वाड्रेटिक में टू, और क्यूबिक मतलब तीन। एग्जाम्पल देखते हैं सबके एग्जाम्पल। अगर इसके एग्जाम्पल लिखने हैं तो जीरो घात यानी किसी पे जीरो घात का मतलब कि वो नंबर वन हो जाता है, यानी कि कोई भी डिजिट होगा, फाइव हो सकता है, फोर हो सकता है, थ्री हो सकता है, कुछ भी नंबर हो जाएंगे। तो जो नंबर होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, शून्य बहुपद। तो आपसे कोई पूछे ना बाबू कि बाबू बताओ ये शून्य बहुपद क्या होते हैं, शून्य बहुपद क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सर मैडम भैया दीदी जो भी आप बोलते होगे, अंकल आंटी चाचा चाची मामा मामी काका काकी जो बोलना हो आप बोलोगे, ऐसे बहुपद जिसपे जीरो पावर हो, और जीरो पावर वाले अंक कौन कौन से होते हैं, जो डिजिट हो। जैसे कैसे समझ सकते हो इसको, अगर मैं इसको समझाना चाहूँ और अच्छे से, तो फाइव है तो लिख सकते हो फाइव एक्स पे पावर जीरो, यानी फाइव एक्स पावर जीरो का मान कितना होता है, वन, यानी इसको हम दिखा सकते हैं फाइव। तो यहाँ पे पावर कितना आ गया, जीरो। तो इसको हम कहते हैं शून्य बहुपद। रैखिक बहुपद का अगर एग्जांपल लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, जिसके ऊपर पावर वन होता है, यानी आप लिख सकते हो फाइव एक्स, सिक्स वाई, एट जेड, यानी सिंपल सा एक पावर होना चाहिए, एक पावर से अधिक नहीं हो सकता है। इसके और कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, 5x प्लस 3 हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हो, 8y प्लस या माइनस 9 हो सकता है, यानी बस मतलब क्या है, पावर की इस पूरे बहुपद के ऊपर जो मैक्सिमम पावर होगी ना वन से अधिक नहीं होगी। क्वाड्रेटिक में इसमें कितना होगा, 2, आप लिख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस 5x, ये आपका हो सकता है। आप लिख सकते हो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, आप लिख सकते हो 4x स्क्वायर माइनस 3, बस मतलब किससे है, घात से है, पावर कितना है, 2। तो जब 2 घात होगा तो आप कह सकते हो कि आपका कौन सा है, वो क्वाड्रेटिक है। इसी तरह आपका क्यूबिक के बारे में जब बात होगा, इसका मतलब होगा इसके पावर कितना होगा, 3 होगा। कैसे 3 होगा, आप लिख सकते हो 3x पे 3 माइनस 2x माइनस 4x प्लस 4 या माइनस 4, कुछ भी, मतलब मैक्सिमम पावर के बारे में बात करें वो 3 से अधिक नहीं हो सकती। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये कौन कौन से पावर होते हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा सामने कि क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ इसके वैल्यू आ सकते हैं, ठीक है। नीचे लिखते हैं, शायद दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आई थिंक दिखाई दे रहा है, चलिए लिखते हैं। अब इसने आपने लिख दिया एग्जाम्पल, अब इसका कुछ मानक रूप लिखते हैं, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिख सकते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो तो सिर्फ तो डिजिट होता है, तो आप अचर पद लिख सकते हो, ए दिखा सकते हो। इसमें आपको दिखाना होगा तो एक घात वाले हैं ना, तो आप दिखाओगे ए एक्स प्लस बी, यानी इसका जो मानक रूप होगा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इसमें ए एक्स प्लस बी आए। क्यों, ए आपका कोई ना कोई कुछ भी हो सकता है अचर पद, एक्स आपका चर पद, और यहाँ पे आपका ये कोई नंबर हो सकता है, ठीक है ना, यानी कोई अंक हो सकता है। इसका अगर आपको मानक रूप दिखाना हो तो आप दिखाते हो ए एक्स स्क्वायर, दो पद वाले हैं, पी एक्स
प्लस सी। ठीक है, इसका मानक रूप आपको लिखना होगा, तो आप लिखते हो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये इसके मानक रूप हैं, ये इसके मानक रूप हैं। एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है, नीचे दिख रही है, आगे यहाँ पे लिख रहे हैं, नीचे अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, ठीक है, देख लीजिए जरा, सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, तो इस पे लिखते वक्त मेरा एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी जो सब चीज़ तो होगा, ए की वैल्यू कभी जीरो मत कीजिएगा। यहाँ पर भी ए की जो वैल्यू होगी वो कभी जीरो नहीं होगी, और यहाँ पर भी ए की वैल्यू होगी कभी जीरो नहीं होगी। बी सी डी सब जीरो हो सकता है, बट ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, जरा समझिए, इस सवाल को लेकर चलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास है ए एक्स प्लस बी, मैंने ए की वैल्यू जीरो ले ली, तो क्या हो जाएगा, जीरो इंटू एक्स प्लस बी, यानी मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो जीरो प्लस बी, यानी मैं कह सकता हूँ मेरे पास बी आया, और बी अभी बताया आपके पास कौन सा बहुपद होता है, शून्य बहुपद, यानी आपका ये अब जो आप रैखिक यानी लीनियर कहते थे वो लीनियर ना रह के क्या हो गया, शून्य हो गया। अगर मैं बी को जीरो लेता तो क्या करता, ए एक्स प्लस बी, तो जीरो ले लो, ए एक्स प्लस जीरो, यानी मेरे पास क्या आ गया, ए एक्स, अभी भी तो एक घात वाले हैं ना, तो इसको मैं लीनियर कह सकता हूँ। इसी तरह इसमें अगर करते हैं, इसमें क्या था मेरे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू अगर जीरो ले तो पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, बी एक्स प्लस सी, यानी हो जाएगा बी एक्स प्लस सी। अब जरा चेक करो, क्या इसमें पावर दो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब पावर दो नहीं दिखा, इसका मतलब अभी कौन सा हो गया, लीनियर हो गया। तो सारे कंडीशन में याद रखिएगा, मानक रूप तो आपने लिख लिया, मानक रूप को याद कर लीजिएगा, लेकिन कभी भी एक जगह पे जीरो आप नहीं रख सकते, बाकी कहीं भी आप जीरो रख लो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इनके जीरोज क्या होते हैं, यानी इसके शून्य क्या होगा, इसका शून्य क्या होगा, किसका शून्य क्या होगा, कितने शून्य हो सकते हैं, अगर बात करते हैं जीरोज के बारे में। ठीक है, तो जीरोज के बारे में बात करते हैं, तो देखिए जीरोज के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, कितने जीरोज हो सकते हैं मैक्सिमम, तो बात करते हैं जितने घात होंगे उतने जीरो होंगे, तो इसके ऊपर पावर कितना होता था, एक, तो इसके जीरो भी कितने होंगे, एक, यानी इसके जीरो हो गए एक। इसके जीरो के बारे में बात करते हैं तो पावर देखते हैं, इसके ऊपर पावर कितना है, दो, जब पावर दो है इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि इसके जीरो भी कितने होंगे, दो, और इसके पावर तीन है तो हम लिख सकते हैं कि इसके भी जीरो कितने होंगे, तीन। अब जीरो का मतलब आपको शुरू में बताया था, जीरो मतलब कि एक्स की वैल्यू, इसमें एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, बस एक आएगी। इस क्वेश्चन में जब सॉल्व करो तो एक्स की दो वैल्यू आ सकती हैं अलग अलग, इस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक्स की तीन वैल्यू आएंगे, तीन मान आएंगे अलग अलग आ सकते हैं। तो इस तरह से मैं बता सकता हूं किस कंडीशन में एक्स के कितने जीरोज आने वाले हैं। अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी में थोड़ा सा देख लेंगे कितने मैक्सिमम या मिनिमम जीरोज हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है ना, यह सब मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम भी जीरो लिखा गया, मिनिमम इससे कम हो सकती है। ठीक है, सारे कंडीशन में मैक्सिमम है, अगले क्लास में पढ़ेंगे, वो क्लास होगा आपका टेंथ का अलग वीडियो, नाइन्थ का अलग वीडियो। ये वीडियो आपका मिक्स था, जिसमें नाइन्थ और टेंथ दोनों क्लास के लिए सिर्फ हमने चर्चा किया पॉलिनोमियल्स के बारे में, पॉलिनोमियल में कौन कौन से वर्ड यूज होने वाले हैं। एक और बात, क्लास नाइन्थ वाले, अगर आपने अभी तक पहला चैप्टर नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वन को, यानी कह सकते हैं पहले प्लेलिस्ट में आपका चैप्टर वन मैथ्स का होगा, जिसमें आपका नंबर सिस्टम होगा, उसको आप ओपन करना, नौ वीडियो होगा, पहले उसको कंप्लीट करना है, देन आप पॉलिनोमियल पे आना, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद टेंथ वाले भी, अगर वीडियो नहीं देखो पहले लेसन का, तो पहले लेसन देख लो, फिर इसको पे आते हैं। तब तक के लिए बस आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आप घर पे होंगे, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।